नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव उत्तराखंड, में हूं श्वेता वर्मा। रूपकुंड झील, जिसे कंकाल झील भी कहते हैं, ये उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की चोटियों के बीच में 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये एक वीरान जगह है और इसमें 500 से भी ज्यादा मानव कंकाल हैं। ये झील वर्ष के अधिकतर समय बर्फ से ढकी रहती है। अब ये एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बन चुकी है। रूपकुंड झील नदी के देवी की तीर्थ यात्रा के मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर हर 12 वर्षों में एक बार स्थानीय मेला लगता है। आइए जानते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। ये मानव कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के हैं। झील में गहने, खोपड़ी, हड्डियाँ, अस्थियाँ, चमड़े के चप्पल व बटुआ, लकड़ी के मिट्टी के बर्तन, शंख, अन्य आभूषण और शरीर के ऊतक पाए गए। कहा जाता है इतने सारे लोगों के मरने की घटना 850 ईस्वी में हुई होगी कि इन सभी लोगों की मौत चारों तरफ ऊंचे पहाड़ होने की वजह से किसी बीमारी से नहीं बल्कि ओलावृष्टि, भूस्खलन और हिमस्खलन के कारण हुई थी। रूपकुंड झील नंदा देवी की तीर्थ यात्रा के मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर हर 12 वर्षों में एक बार स्थानीय मेला लगता है। हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण रूपकुंड की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। एक खूबसूरत और मनोहारी पर्यटक के रूप में विकसित हो गई है। वर्तमान में रूपकुंड झील दो हिमालय की चोटियों त्रिशूल और नंद घुंघटी की तलहटी में स्थित है। ये झील वर्ष के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। ऐसा माना जाता था कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के थे जो दूसरे विश्व युद्ध में युद्ध लड़ रहे थे। बाद में पता लगाया गया कि ये कंकाल श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के हैं जिनका कद छोटा था। मानव कंकालों के सिर में चोट लगी थी। ये चोट संभावित रूप से क्रिकेट के साइज की गेंद के आकार वाले ओलों, बर्फ के गोलों से लगी थी। गर्मी के मौसम में बर्फ के पिघलने पर यहाँ बहुत सारी मानव खोपड़ियाँ और हड्डियाँ दिख जाती हैं। रूपकुंड झील को हमेशा से ही एक रहस्यमयी झील माना जाता है। यहाँ पर पर्यटक और श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण रूपकुंड की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। ये एक खूबसूरत और मनोहारी पर्यटक के रूप में विकसित हो गया है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लाइव उत्तराखंड। नमस्कार।